हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश एंड इट इज बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी एंड दिस इज वीडियो नंबर फर्स्ट सो दिस स्टोरी वाज रिटन बाय मिस्टर सत्यजीत रे की कहानी जो है सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है और ये एक यूँ कह सकते हो सस्पेंस थ्रिलर कहानी है जिसमें रोमांच है और इसके साथ साथ इसके अंदर थ्रिल भी है यानी रहस्य भी है और फोडीसी कॉमेडी भी है ठीक है नी मज़ाक भी है तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसको पढ़िएगा समझिएगा तो इसमें क्या कह रहा है कि बिफोर यू रीड डू यू हैव अ गुड मेमोरी कि आप ये जो चैप्टर है बिपिन चौधरी स् लैप्स ऑफ मेमोरी यानी कि बिपिन चौधरी की याददाश्त में जो कमी आई है उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी मेमोरी अच्छी है तो देखिए ऑब्वियस ही बात है हम लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं उन सबकी ही याददाश्तें कैसी होती है नॉर्मली अच्छी होती है हमें हर चीज़ लगभग याद होती है हमारी ज़िंदगी की अब यहाँ पे क्या कह रहा है हैज़ योर मेमोरी हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेमोरी ने यानी कि आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कुछ ट्रिक किया हो यानी कि कुछ मजाक किया हो फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन ए टाइट स्पॉट कह रहा है कि आपका किसी चीज़ को भूल जाना या किसी घटना को भूल जाना आपको परेशानी में फंसा सकता है तो देखिएगा यहाँ पे टाइट स्पॉट जो शब्द है वो एक्चुअल में परेशानी के लिए लिया गया है ठीक है उसके बाद कह रहा है बट फॉर गेटिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ कंप्लीटली मेड ड्राइव यू क्रेजी तो कह रहा है कि चलो हम कोई चीज़ भूल जाते हैं हम उसी में बड़े परेशानी में फंस जाते हैं मुसीबत में फंस जाते हैं लेकिन क्या हो यदि हमारे जीवन का कोई बहुत बड़ा हिस्सा ही यानी लाइफ के एक बड़ा पार्ट हम भूल जाएं तो उससे क्या होगा हम पागल ही हो जाएंगे यानी कि बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि भाई हमारे जीवन में ऐसी चीज़ घटी और हमको अभी तक याद नहीं ये पॉसिबल नहीं है तो आदमी सोच 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 के ही आधा पागल हो लेता है इन दिस स्टोरी बिपिन बाबूज बिपिन बाबू गोस नियरली क्रेजी बिकॉज ही नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची और इस कहानी में भी यही स्थिति है अपने बिपिन चौधरी की या बिपिन बाबू की जो कि लगभग पागल हो जाते हैं जब वो अपने याददाश्त में ये पाते ही नहीं हैं यानी याद ही नहीं कर पाते कि वो रांची में कब रहे थे और रांची वाली पूरी घटना वो भूल जाते हैं ही हैज़ नैर बीन टू रांची और मज़े की बात यह है कि उनका ये मानना है कि वो कभी रांची गए ही नहीं ही इंसिस्ट दो देर आर मैनी विटनेस टू द कॉन्ट्रेरी तो कह रहे हैं कि देखिए जहाँ अपने बिपिन बाबू हैं जो कहते हैं कि भाई वो कभी रांची नहीं गए लेकिन वहीं पर बहुत सारे विटनेसिस हैं यानी बहुत सारे ऐसे गवाह मौजूद हैं जो कि इसके कॉन्ट्रेरी हैं यानी इस बात के जस्ट उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप गए थे वाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट तो देखिए ये जो रहस्य है या फिर ये जो बात है इसके पीछे क्या राज है ये पढ़ते हैं तो एवरी मंडे ऑन हीज वे बैक टू फ्राम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण्स इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स तो देखिएगा कह रहा है कि हर मंडे को हर सोमवार को जब बिपिन चौधरी अपने काम से लौटते थे तो वो रुकते थे ड्रॉप इन का मतलब रुका करते थे कालीचरण की दुकान पर जो कि आपके न्यू मार्केट में यानी कि नई मार्केट में हुआ करता था टू बुक किताब खरीदने के लिए तो वो किताब खरीदने के लिए अक्सर कालीचरण की जो शॉप थी वहाँ पे रुका करते थे मार्केट में क्राइम स्टोरीज गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स और आमतौर पे ये क्या ख़रीदते थे कोई क्राइम स्टोरी होती थी यानी कि कोई अपराध से रिलेटेड कहानी होती थी वो पढ़ा करते थे या भूतिया कहानियाँ पढ़ा करते थे या कोई थ्रिलर यानी कि कोई रहस्यमयी रहस्य वाली कोई जो कहानियाँ हैं इस तरह की कहा बुक्स पढ़ा करते थे ही हैड टू बाय एट लीस्ट फाइव एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक और बता रहा है कि उनको पूरी एक यानी कि पूरे एक सप्ताह के लिए टाइम पास के लिए कम से कम इन में से पांच बुक खरीदनी होती थी यानी कि वो पांच जो बुक्स हैं सप्ताह भर में चट कर जाते थे यानी उसको पढ़ लिया करते थे यानी कि बड़े शौकीन थे रीडिंग के ही लिव्ड अलोन एंड वाज नॉट अ गुड मिक्सर और कह रहे हैं कि वो अकेले रहा करते थे और वो दूसरे जो लोगों के साथ मिक्स नहीं हुआ करते थे यानी कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलनसार नहीं थे यानी कि उन्हें लोगों से मिलना जुलना और इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं था यानी उनमें मिलनसारी नहीं थी उसके बाद कह रहा है हैड फ्यू फ्रेंड्स और उनके बेहद कम दोस्त थे ठीक एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट और वो दूसरों के साथ खाली टाइम में बातें कर कर के टाइम स्पेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे यानी कि अकेले रहना पसंद था लोगों के साथ नहीं मिलते थे घुलते मिलते नहीं थे दूसरे दोस्त बहुत कम थे और दोस्त होते भी थे तो उनसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे टुडे एट कालीचरण्स बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब चूंकि वो कालीचरण की दुकान पे थे सोमवार का दिन था और बुक्स लेने के मूड में थे लेकिन उन्हें तभी एहसास होता है कि कोई उन्हें बहुत नज़दीकी से ऑब्ज़र्व कर रहा है देख रहा है He turned राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड meek लुकिंग मैन who नाउ ब्रोक into smile. स्माइल तो जैसे ही वो पलट के उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि उनको कोई गोल चेहरे वाला और नॉर्मली मीक का मतलब होता है विनम्र विनम्र सा दिखने वाला जो आदमी है वो उन्हें घूर रहा था देख रहा था और जैसे ही उन्होंने पलट के देखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई यानी कि वो मुस्का करके बिपिन जी से बोला आई डोंट सपोज यू रिकोगनाइज मी तो हैव वी मेड बिफोर आस्क बिपिन बाबू तो जो बंदा है जो मुस्कराता है वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए तो इतने में बिपिन जी जो हैं चढ़ करके पूछते हैं कि हैवी मेड बिफोर कि क्या हम पहले मिले हैं द मैन लुकड ग्रेटली सरप्राइज और जैसे ही बिपिन बाबू के मुँह से ये बात सुनी उन्होंने कि क्या वो उनसे मिले हैं तो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक हम तो पूरे एक सप्ताह तक एक दूसरे से रोज़ाना मिले हैं आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स और कहते हैं कि यहाँ तक कि मैंने तो आपके लिए गाड़ी का भी अरेंजमेंट किया था हुड्रू फॉल्स जाने के लिए तो देखिएगा ये जो हुड्रू फॉल्स है ये एक झरना है जो कि झारखंड में है तो शायद ही आपके रांची गए थे बिपिन बाबू और वहाँ पर वो उन्हें क्या कहते हैं ये झरना देखने जाना था और झरना देखने के लिए उन्हें गाड़ी की व्यवस्था करनी थी तो इस चीज़ की व्यवस्था इस व्यक्ति ने ही की थी जो उनको देख रहा था घूर रहा था ठीक है और शायद बिपिन जी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो घटना शायद भूल गए हैं अभी कहते हैं इन 1958 और वो भी कब 1958 के आसपास ये घटना है यानी कि 1958 में जब आ, क्या कहते हैं बिपिन जी को हुड्रू फॉल्स जाना था तो उस बंदे ने इस इनके लिए गाड़ी की कार की व्यवस्था की थी इन रांची एंड माय नेम इज़ परिमल घोष और कह रहा कि रांची के अंदर और मेरा नाम परिमल घोष है रांची नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन वाज मेकिंग अ मिस्टेक तो जैसे रांची का नाम सुनते हैं तो बा, बिपिन बाबू जो है वो उनको महसूस होता है कि रांची फिर तो इस आदमी ने जरूर किसी मिस्टेक से मुझे दूसरा आदमी समझ लिया है यानी कि यहाँ पे बिपिन बाबू जो हैं खुद से ही कह रहे हैं या फिर उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी और क्या कहते हैं आपने शायद मुझे कोई और समझ लिया है बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची क्यों और ऐसा कहने के पीछे बिपिन बाबू का भी एक तर्क था क्योंकि वो कभी रांची गए ही नहीं ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम बट नेवर मेड इट और उन्होंने वो सोचते हैं कि भाई उनको कई बार उधर जाने का मन बना और यानी कि सिस्टम भी बैठा लेकिन वो जा नहीं पाए यानी कई बार ऐसा हुआ जैसे जब वो रांची जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पाए ही स्माइल्ड एंड सैड डू यू नो आई एम और फिर वो मुस्कराते हुए उस आ, क्या कहते हैं अनजान व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ दिन हिज आई ब्रो तो जो अनजान व्यक्ति था उसने अपनी उठा ली, बिट हिज टन और अपनी जुबान काटते हुए बोला डू आई नो यू क्या मैं आपको जानता हूँ हु डज नोट नो बिपिन चौधरी तो कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को तो देखिएगा वो जो रहस्यमय व्यक्ति है वो विपिन बाबू को थोड़ा सा बांस पे चढ़ा रहा है और बांस पे चढ़ाते हुए क्या बोल रहा है कि आपको विपिन बाबू कौन नहीं जानता दैट मीन्स जो भी ये बंदा है ये आपके विपिन बाबू का जानकार है यानी वो उसको पहले मिला हुआ है लेकिन किसी कारणवश विपिन बाबू जो हैं वो सब कुछ भूल गए हैं या फिर उनको वो याद नहीं आ रहा फिर क्या होता है बिपिन बाबू नाउ टर्न टूअर्ड द बुक शेल्फ़ एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग mistake." मिस्टेक और बिपिन बाबू ये सुन करके के चिड़ जाते हैं और वो किताबों की जो शेल्फ़ होते हैं उसके ओर मुड़ करके फिर से कहते हैं कि तुम अभी भी गलती कर रहे हो यानी कि तुमसे गलती हुई है तुम शायद गलत आदमी से बात कर रहे हो वन ऑफन डस और कई बार किसी से भी इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं आई हैव नेवर बीन टू रांची और मैं तो कभी भी रांची नहीं गया हूं द मैन नाउ लाफ्ट अलाउड और ये बात सुनते ही जो वो अनजान व्यक्ति था वो बुरी तरीके से हंसने लगता है तो अब देखिएगा अब इसे अनजान तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताया था क्या था परिमल घोष तो ये जो परिमल घोष जी हैं ये सुनते ही हंसने लग जाते हैं और क्या बोलते हैं वाट आर यू सेंग मिस्टर चौधरी की मिस्टर चौधरी आप ये क्या बात कर रहे हैं यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट यूर राइट नी कह रहे हैं कि जब आप फॉल यानी कि जो आपका झरना था वो देखने गए थे तब आप वहाँ गिर गए थे और आपके घुटने में चोट लग गई थी आई ब्रॉट यू आयोडिन और मैं आपके लिए आयोडिन लेके आया था आई हैड फिक्सड फॉर यू टू गो टू नेत्रहट द नेक्स्ट डे और यहाँ तक कि मैंने आपके यानी कि चोट पे लगाने के लिए आयोडिन लेके आया और साथ के साथ मैं नेत्राहट नाम की जो जगह है वहाँ जाने के लिए आपके लिए मैंने कार की भी व्यवस्था की थी अगले दिन के लिए बट यू कूडंट कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी लेकिन आप अगले दिन नहीं जा पाए क्योंकि आपके घुटनों में ज़बरदस्त दर्द था तो देखिएगा जो आपने क्या कहते हैं आपके जो परिमल घोष हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ, बिपिन बाबू को ये सारी बातें बता रहे हैं तो शायद कुछ तो सच्चाई होगी ठीक कांट यू रिकॉल एनी और कहते हैं वो वापस पूछते हैं कि क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है सम वन एल्स यू नो वास्सो इन रांची एट दैट टाइम और वो बोलते हैं कि देखिए उस समय रांची में आपको जानने वाले एक और व्यक्ति वहाँ मौजूद थे और उनका नाम था डॉक्टर मिस्टर दिनेश मुखर्जी तो दिनेश मुखर्जी जो हैं वो आपको अच्छे से जानते थे वो भी आपके साथ उस समय रांची में थे यू स्टेड इन बंगलो और आप एक बंगले में रहे थे यू सैड यू डिडेंट लाइक होटल फूड और आपने बताया था कि आपको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई बाची और आपने बताया था कि आपका जो खाना है आपको बावर्ची का हाथ का बना खाना ही पसंद है यानी घर का बना खाना ही पसंद है मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर और आप जानते ही हैं कि मिस्टर मुखर्जी जो थे वहाँ पर अपनी बहन के साथ रुके हुए थे यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर और वहाँ पर आपने मिस्टर मुखर्जी के साथ जबरदस्त तर्क वितर्क किया था मून लैंडिंग के लिए यानी कि देखिएगा अमेरिका जो था अमेरिका के जो आपके एस्ट्रोनॉट्स थे यानी कि आपके अंतरिक्ष विज्ञानी जो थे वो तो आप जानते ही होंगे कि वो आपके नील आमस्ट्रॉन्ग वगैरह जो थे अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट थे चांद पर गए थे तो उस बारे में आर्गूमेंट चल रही थी मिस्टर मुखर्जी और बिपिन जी की कि भाई वो सब फर्जी था या असली था उसको लेकर के तो वो याद दिलाते हुए परिमल जी बोलते हैं कि आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर के बहसबाजी भी हुई थी आई टेल यू मोर मैं तो आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट कि आप तो एक बैग एक थैला भी ले कर घूमते थे जिसके अंदर आप हमेशा अपनी बुक्स को रखा करते थे किताबों को रखते थे ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप यानी कि साइट सीइंग ट्रिप यानी कि जब हम आ, किसी चीज़ को देखने के लिए घूमने फिरने जाते हैं तो उस ट्रिप के लिए साइट सीइंग ट्रिप कहा जाता है जिसमें हम आस पास के नज़ारों का आनंद लेते हुए घूमते हैं ठीक है तो ये कह रहे थे कि आप अपने नज़ारों को न, ये जो नज़ारे वगैरह देख करके घूम रहे थे उस दौरान आप अपने एक बैग को भी लेकर के कैरी करके चला करते थे जिसमें आपकी बुक्स हुआ करती थी एम आई राइट और नॉट और आप ही बताइए क्या मैं सही हूँ या गलत बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स तो देखिएगा अब की बार क्या है विपिन बाबू जो हैं शायद थोड़े से डाउट में आ गए हैं थोड़ा सा शक हो रहा है उन्हें तो वो थोड़ा धीरे से बोलते हैं लेकिन अभी भी उनकी जो नज़रें थी किताबों के ऊपर थी और पूछते हैं विच मंथ इन फिफ्टी एट आर यू टॉकिंग अबाउट तो फिर बोलते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ अट, सन अट्ठावन में यानी कि उन्नीस सौ अट्ठावन में किस महीने में की बात तुम ये कर रहे हो द मैन सेड अक्टूबर तो आदमी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भाई अक्टूबर की बात है नो सर सेड बिपिन बाबू तो बिपिन बाबू एकदम से खुश होकर के कहते हैं नहीं महोदय आप गलत हैं आई स्पेंड पूजा इन फिफ्टी एट विद अ फ्रेंड इन कानपुर मैं तो उल्टा उन्नीस सौ अट्ठावन में एक पूजा अटेंड करने मेरे दोस्त के पास जो कि कानपुर में है उसके पास गया हुआ था यू आर मेकिंग अ मिस्टेक गुड डे तो आपको गलत फहमी हुई है तो आपका दिन शुभ हो कर करके वो धीरे से निकलते हैं वहाँ से बट द मैन डिडन्ट गो लेकिन वो आदमी नहीं जाता है नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग और ना ही वो अपना जो बोलना है वो बंद करता है वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन वरामदा ऑफ योर बंगलो कि एक दिन आप अजीब बात है। तो कहते हैं बहुत अजीब बात है एक दिन शाम को हम दोनों ने आपके बंगले के बरामदे में ही बैठ कर के चाय पिया था यू स्पोक अबाउट योर फैमिली और आपने मुझे अपने परिवार के बारे में भी बताया था यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन और आपने मुझे बताया था कि आपकी कोई संतान नहीं है एंड दैट यू हैड लॉस्ट यूर वाइफ टेन ईयर्स अगो और आपने ये भी बताया था कि आपने अपनी बीवी को दस साल पहले खो दिया था यानी कि उनकी जो बीवी की मृत्यु है दस साल पहले हो गई थी यूर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन और बताया कि आपके जो भाई हैं वो भी पागलपन की वजह से यानी इंसैन होने की वजह से पागलपन की वजह से मारे गए थे विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल इन रांची और इसी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे यानी कहने की बात यह है कि रांची के मेंटल हॉस्पिटल में इनके भाई की मृत्यु हो गई थी पागलपन के दौरे लगने से सो so, इस वजह से वो शायद मानसिक रूप से परेशान हो जाते इस वजह से वो जाना नहीं चाहते थे वेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक बुक्स एंड वाज ली द शॉप द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव तो देखिएगा ये सब बातें सुनते हुए भी बिपिन बाबू को विश्वास नहीं हो रहा था तो उन्होंने जो बुक्स पसंद की या सेलेक्ट की उसके उन्होंने पैसे चुकाए और वो शॉप से निकल लिए और जब वो शॉप से निकल रहे थे तो उस समय भी जो वो व्यक्ति है उनकी ओर घूर घूर करके देख रहा था अविश्वास की वजह से यानी कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू जो हैं उन्हें भूल गए हैं और उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं सो इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड पार्ट टिल देन बाय जाने से पहले आप लोगों से एक और बात कहनी है कि एक तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को वीडियो कम्प्लीटली नहीं मिल पाएगा अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब आपको तुरंत उसका मैसेज दे देगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे सो so, प्लीज़ अगर आपको मेरी बात पढ़ाई हुई बातें समझ में आती हैं अच्छा लगता है तो लाइक करें शेयर करें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें